अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रही हैं कि मैं आज जानवरों का चारा काट रहा हूँ, तो अभी बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है और सर्दियाँ भी आ चुकी हैं। रात को सर्दी हो जाती है काफ़ी, तो कंबल लेकर सोना पड़ता है। तो अभी धुंध भी ना, वो त्रेल की धुंध नहीं होती, वो पड़ी हुई है, प्योर धुंध होती है, वो नहीं पड़ी हुई। तो इधर से सूरज निकला है तो मेरे हाथ देखे गीले हो गए हैं। त्रेल जो है ना शबनम, वो भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। तो मैं सोचा कि जानवरों का चारा तो काटना है, और ये खूबसूरत मौसम और जानवरों का चारा साथ में काटते हुए ये वीडियो आपको भी दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर भी करता हूँ। तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी है आपको। तो चलो अभी इतने काट लिए हैं और ज़्यादा काटने हैं, इतने काटने हैं। तो चलो चलते हैं, काटते हैं, आप भी देखें कैसे काटते हैं। जानवरों का जो चारा है ना, वो काटते हैं। और दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाला इतना चारा जो है ना वो काट के रख दिया है। ये देखें, तो अभी जिसने उठाना है ना चाचू, वो आएंगे और इसको उठा कर ले जाएंगे। तो मैंने सिर्फ काटना ही था। तो अभी आपको मैं दिखा दूं, सूरज वहाँ पे वो देखें अभी निकल रहा है, अभी बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है। इधर देखें, ये हुआ ना गीला, ये देखें इनमें से पानी उतरा है, तो मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ। और अभी देखें इनसे पानी कैसे गिरता दोस्तों, ये देखें। आज बहुत ही ज़्यादा त्रेल पड़ी हुई है और परसों बारिश भी हुई थी बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान या पूरे पंजाब में हुई हुई, क्योंकि मैं जहाँ पे भी देखता था तो बारिश 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 बारिश। तो जो चरी की चरी है, जो चारा है ना, जिस जानवर का जो चरी है, तो काट लिया है, चलते हैं। और बारिश की वजह से और हवा की वजह से जो हमारे गांव में नुकसान हुआ ना फसलों का, ज़्यादातर कुमाद का हुआ है, तो वो आपको मैं दिखा दूंगा बाद में वीडियो के एंड में। तो अगर आपको आज की वीडियो जो मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने भाई के चैनल को। खुदा हाफिज़।